लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रवेश इस द्वार में स्वामी, दो घड़ी बाद जो ही है। अरे मुझे जाने बिना उद्दंड हो रहे हो तुम, कठोर तपोदीक्षा दक्ष हूँ, भृगु महर्षि हूँ। है तब भी आपको रुकना होगा, अभी कोई भी प्रवेश न करे, स्वामी की आज्ञा है। क्या मैं भी न करूं? सामान्य मानव बूझते हो तुम हमें क्या? त्रिकाल वेदों का मनन जो करता है उस भृगु को आज्ञा मांगनी होगी अहंकारी प्रभु हरि से। मार्ग छोड़िए। केशव, नारायण, स्वामी, महर्षि भृगु को मेरा प्रणाम। रमा के प्रणय में कुछ पलों के लिए मैं डूबा हुआ था स्वामी। यहां आने में जो कष्ट हुआ है आपको, उसके लिए मुझे उचित दंड दिया है आपने स्वामी। अपने शस्त्र तुल्य वज्र नेत्रों से मुझे दहन न करे महर्षि, शांत हो जाए। महानुभाव वासुदेव, अहंकार में डूब के तुच्छ प्राणी की भांति जो मुझसे आज यहां महाअपराध हुआ, उसका मुझे उचित दंड प्राप्त हुआ स्वामी। आप तो दोष मुक्त हैं, लोक कल्याण होगा इससे ये पूर्ण सत्य है। थोड़ी भी चिंता ना करें, भूलोक को प्रस्थान करें, सब शुभ शुभ ही होने वाला है। धन्य हुआ स्वामी। शुभमस्तु। धन्य हुआ।
आज के बैंकॉक में। इस भारत में पहाड़ के ऊपर वेंकटेश्वर स्वामी का मुकुट बहुत शक्तिशाली है। उसको जो भी हासिल करके नरबलि चढ़ाएगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और धनवान आदमी हो जाएगा। स्टोव रोज जी के लिए हमें वो मुकुट कैसे भी हासिल करना है, करना ही पड़ेगा। भारत के बंबई नगर में परेश नामक एक आदमी एंटीक्स स्मगल करता रहता है। हमें उससे मिलकर उस मुकुट को हासिल करने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार महालक्ष्मी ने विष्णु मूर्ति को वहीं पर छोड़ दिया। वैकुंठ सूना हो गया। देवताओं, प्रमदगणों, किन्नेर, किम पुरुष इत्यादि ने मिलकर श्री लक्ष्मी को मना के लाने की महाविष्णु से प्रार्थना की। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर महाविष्णु लोक कल्याण हेतु श्रीनिवास के रूप में भूलोक में अवतरित हुए। दिस टेम्पल इज वेरी फेमस टेम्पल। द टेम्पल इज ऑन द माउंटेन। या एवरी डे 2 lakhs पीपल कम एंड 10 lakhs रुपीज कलेक्शन एवरी डे। And God has got the ornaments of rare metal. Very, very costly. He is very famous God in the world. And has that... If you get me that, I give you $1,000,000. थाईलैंड में बैंकॉक के एयरपोर्ट पर यहाँ पे रूल वूल कुछ है? फ्लाइट का टाइम तो हो गया। तुम हिंदुस्तानी हो क्या? जी हुजूर। कहाँ जा रही हो? इंडिया क्या? जी नहीं, अफ्रीका को। अफ्रीका क्यों? क्यों जी, फ्लाइट इंडिया जाने वाली है ना। हाँ मिस। फिर इंडिया जा रही हूँ क्यों पूछ रहे हैं? तुम ही ने बोला अफ्रीका जा रही हो। सॉरी सरकार, जबान फिसल गई। मैं इंडिया को जा रही हूँ। बैंकॉक तो देखा होगा पूरा। इंडिया से तुम कब आए? 23 बरस हुए। 23 बरस कैसे हुए? सुनिए, मैं छुट्टी लेके टूरिस्ट जैसे नहीं आई हूँ। मेरे बचपन में ही माँ बाप यहीं पे आके सेटल हो गए। मैं बाप की माँ को देखने इंडिया को जा रही हूँ। ये डिटेल्स काफी है या और कुछ बताऊँ? क्यों जी, इंडिया में बाप की माँ का गाँव कौन सा है? ताड़ेपल्ली गुड़म। और तुम्हारा नाम? क्या खेने खाए, क्या फर्क गया से बने थी, अच्छे निकल को फाइन फाइन फाइन। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते चुम्मा चुम्मा दे दे दूसरी बात नहीं, दो टिकट का भी वही रेट है। बालकनी छवली दस। ब्लैक में टिकट बेचता है? ब्लैक नहीं सर, छह का दस क्या है? वो तो टाइम बता रहा था मुझसे सर। सरकार छह का दस ले रहा था, वरना जाओ। छह का दस। ऐसे उस्ताद काफी देखे मैंने। हवलदार साहब,
मुझे ये तो बताओ, क्या मेरा थोबड़ा ब्लैक में टिकट बेचने वालों जैसा लगा? समझा क्या गुरु? इज्जत का फालूदा कर दिया यार, मैं ब्लैक करने वाला हूँ ये शक है इनको। ये तो अन्याय है सर, खाकी वर्दी वालों को शरीफ और मवाली में फर्क नजर नहीं आता क्या? होशियारी बता रहा था, अपन भी कम नहीं है। मेरे लिए दो टिकट ले यार। चार लोग गुरु, अमिताभ का फिल्म देखे बहुत रोज हो गया। ए, मेरे एरिया में ब्लैक का टिकट बेचता है। तेरा बाप मरते वक्त पट्टा देके गया था। ऐसे क्यों घूरता है मुझको? ए, हाथ हटा। तेरे से बोला हाथ हटा, फिर से रखा तो भेजा घूम जाएगा। ये बात तो क्या करेगा तू? हाँ मेरे को पूछता था क्या करूंगा, कुछ बोला क्या अपन? अरे तू गुंडा है क्या बाप? बाटलियां टूट जाएंगी, बाजू आ जा, आ जा। मारा तुझे, लग गई मुझे। पहले ही बोला था बाजू वाले, पार्टी का पैसा ले लेना। अरे नहीं बोला तो भी मार रही है तो मुझको? ए घर जाके झंडू बाम लगा लेना, सुबह ठीक हो जाएगा। राजू पतली गली से निकलो बच्चे। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम लक्ष्मीकांत। नमस्ते पुजारी जी। वेंकटेश आया। अरे नारायण, नवरात्रि को भी काम है तुमको? सुबह को ड्यूटी का सिपाही शोभा अब नहीं आया तो मुझे रहना पड़ा। कोई बात नहीं, पूरे 14 लोगों के पालक जो यहाँ हैं, ऐसे परम पिता की रक्षा का भार तुमको सौंपा गया है। मेरे जैसे तुच्छ दुर्बल प्राणी का पोषण करने वाले स्वामी की मैं क्या रक्षा करूँगा? ये समझ लो, अपनी रक्षा के लिए तुम्हें, अपनी सेवा हेतु मुझे चरणों में स्थान प्रदान किया है प्रभु ने। बेटा तो अच्छा है ना? उसके बारे में मैं काफी परेशान हूँ पुजारी जी। क्यों, भला छोकरा है ना, ऐसी क्या बुराई है उसमें? भला तो है, जरा सर फिरा है। हर बात उसकी सारे लोगों को माननी ही चाहिए, मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। राह पिलाने के वास्ते टैक्सी ले दी मैंने उसे, टैक्सी को गैरेज में रख के आवारा की तरह घूमता है। इस उम्र में ऐसा ही करते हैं। सुनो, जवानी में शरारत छोड़ के तेरे जैसे मेरे जैसे बुद्धिजीवी छोकरे इन दिनों कहाँ मिलेंगे? चार रोज बाद स्वयं जिम्मेदारी को समझेगा। अर्चना का समय हो गया, अब मैं चलता हूँ। पधारिए वेंकटेश आयर। मैडम उतरो भी तुम। ओफो, उतर तो रही हूँ, धक्का क्यों देता है तुम? जल्दी उतरो बोला, उधर मार्केट बंद होने वाला है, चलो उतरो ना, उतरो। ए, सुनो। क्या है? मेरा बैग। दूसरों का सामान भी उतारना है, थोड़ा ठहरना, तुम जल्दबाजी नहीं करना। किधर है लगेज? ब्लैक बैग। कौन सा? नहीं नहीं वो काला वाला, वो हाँ हाँ यही। सुनो धीरे से क्या बैग? मैंने धीरे से तो फेंका था। क्या धीरे से फेंका? मुंह तो देखो बेवकूफ। फेंका थोड़े, ढकेले उसे, बैग सर के ऊपर उठा के लेकर आना, सर्कस में जोकर का काम करूं के? ऐसे निकालो। अरे इसमें कैमरा टूट गया तो ठीक से पैकिंग करो, मेरी मजदूरी दो। पैकिंग कर कितना? 200 रुपए। 200? अब थोड़ा रुको। कहां वाले हो भाई? कहां वाले? यहीं वाले हैं। बस स्टैंड पे तुम क्या नया आए? मैं नया नहीं, पैदा बड़ा इसी बस स्टैंड पे हुआ बाबूजी। रेट कितना बोला?
क्यों बाबूजी, तू मेरे को नया जान का नुकसान करने की क्यों सोची? नई मुर्गी मिली है, ये मैं मेरी सास की छोटी बेटी है, मैं इसको लेने को आया हूँ। ये बात मेरे को पहले कहनी थी। ये लो रुपए। रुपए? चिल्लर नहीं जी। कितना बोले? 2 रुपए बोले। ये ले उस्ताद और फूट ले यहाँ से, जो पैसा मुझे देंगे उसमें जोड़ देना। ए, कौन है तुम? टैक्सी ड्राइवर हूँ, आप चलिए बताता हूँ। आपको गाड़ी चाहिए, मैंने कैसे जाना ये नहीं पूछना? चेहरे से मालूम पड़ गया था कि आप इंडिया में पहली दफे आई हैं। पुलिस से जैसे बातें की उसी से मुझे मालूम हो गया था। हाँ मैम जी, आपका मुल्क कौन सा? बैंकॉक। हेलो मैडम, इसका पहले मेरी कार में एसी होता था, अभी कल उसे रिपेयर के लिए भेजा, ठंडा कम करता था। टिक्की में बैग रखता लेकिन लॉक खराब है उसका भी। देखकर नहीं, एकदम मजबूत है यह गाड़ी, शेप को देखेंगी तो बुरी है लेकिन इंजन फर्स्ट क्लास। इसकी आवाज को सुनकर डरना मत। मैम जी, मालूम है क्या आपको, इधर टूरिस्टों को खूब घुमा फिरा के बहुत रुपए लूटते हैं, मेरे जैसे सही रूट पर ले जाने वाले आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। ये कैसी सड़क है, इतना बड़ा धार्मिक स्थान है बट रोड्स आर वेरी बैड। रोड को तो अभी रिपेयर किया है, थोड़ी ठीक हुई है। इसे नामाल सेंटर बोलते हैं। वो नीचे राम भक्त हनुमान की मूर्ति देखी थी? राम भक्त हनुमान? मैम जी, देखा आपने, हम आपको मंदिर कितनी जल्दी ले आया। ए, ठहरो। क्या हुआ? ये क्या है? ये कुंड है। क्यों जी, ये मंदिर के साथ बना था या बाद में बनाया गया? ठीक से तो मुझे भी मालूम नहीं, आप अंदर जाएंगी वो टाइम पूछ के बोलूंगा, ओके ना? मालूम नहीं और ये काम करते हो? तारीख मालूम करके क्या करोगे जी, मैं हमेशा हिस्ट्री में फेल हुआ, अशोक कभी पैदा हुआ, अकबर कभी पैदा हुआ, क्यों मालूम करें? लेकिन जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए ना? वो आप रखो, मुझे नहीं चाहिए जनरल नॉलेज। बड़ी माँ ने कहा था कुंड में पांव धोने से पुण्य मिलता है, सच है? आपको लाइफ में थोड़ा बहुत परोपकार करना होगा, तभी तो मिलेगा पुण्य। काम बुरे हुए तो हाथ धोए चाहे पैर धोए, सारा फिजूल है, मैं ऐसा सोचता हूँ। नॉट बैड, तुम सोचते भी हो, अकलमंद हो। अकल तो मैडम बाद में मालूम होगी। ए, बजट रे। बस 2000। आज तो थक गई हूँ, घूमना कल होगा। ईश्वर को देखने को क्या बोलूं? दर्शन। दर्शन, दर्शन कब करने हैं? आपकी मर्जी, कल कर सकती हैं, आज शाम को भी कर सकती हैं। कल तुम 3:30 पहुँच जाना, थोड़ा जल्दी चले तो मैं सब जगह घूम फिर लूंगी, ओके ना? ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, रूम मिलेगा? मिलेगा। नाम पता भर दीजिए। कहाँ? यहाँ। बॉय। लगेज कहाँ है? फिर चलिए।
लिफ्ट बंद पड़ी हुई है। रूम ये है। बाथरूम ये है। ये ऐसा क्यों है? थोड़ा रिपेयर होना है। पौने 12 बजे को रेस्टोरेंट क्लोज। बाद में फूड मिलेगा नहीं। क्यों रे, कहाँ था तू अब तक? कहाँ था तू क्या माँ, पहले तो ऊपर पहाड़ पर गया मैं। बस स्टैंड जाके लास्ट बस को देखकर सीधा घर आ गया। ओ, बिल्ली आंखें मून के दूध पीते वक्त यही सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा। तूने सिनेमा हॉल के पास जो धंधा किया उसकी खबर मिल गई है पिताजी को तेरे? अरे बाप रे, मर गया। असल में हुआ ये था माँ। मुझसे मत बोल रे, तेरे वास्ते पिताजी ऊपर बैठे हैं, उन्हें जाके बोल। पिताजी कुछ मत बोल, मैं तो सुन सुन के थक गया। तू सोचता होगा कि तू सबकी आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन दूसरे कम होशियार है ये मत सोचना। अभी तो तू जवान है, बेलगाम का, किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन ब्याह होने के बाद ये सीख हर बाप ने दी होगी बेटे को। हो सका तो तेरा ब्याह इसी साल कर दूं सोच रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुन, अब सारी आवारागर्दी छोड़ दे बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप, तो यूं ही चिंता कर रहे हैं। आपने कहा बेलगाम का हूं, किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। अब मैं ये सब नहीं करूंगा, आपसे वादा करता हूं। थोड़ी ज्यादा हो गई। अरे चार ही तो हुए। केयरफुल रहना होगा। क्यों? कल मेरे ब्लैक का धंधा मेरे पिताजी ने पकड़ लिया, मेरी खूब क्लास ली। मैंने सीरियसली कहा। पिताजी ये सारा छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूं। कुछ और चाहिए? रुपया किस लिए देता है इसको यार? कस्टमर। विदेश में से स्वदेशी मेम साहब भाई है, मैंने बैंड बजा दिया उसका। कहाँ किसका बैंड बज रहा रे? ये बाजार में हार्ट वाले लोग हैं। इस पोजीशन में अगर घर गया बादल मेरा बैंड बजा, उस बैंड से ये बैंड बेहतर है। चल वहां घूम के आते। पेपर। थैंक यू। क्लीनिंग कपड़ा कुछ है? कुछ नहीं। काफी कितने बजे लाऊं? 6:30। 6 या 6:30? 6:30।
एक्सक्यूज मी, म्यूजिक कहाँ बज रहा है? हार्ट में बज रहा है। नजदीक है यहाँ से? हाँ। बेवड़ा और ला रहे, ज्यादा हो गया अभी बोला था ना। अबे तू दारू लाना। तुम्हें कहीं देखा है? सुबह बस अड्डे पे बस। वो सास की छोटी पे आसमा की हूर हो या खुदा का नूर हो, तुम चमन का फूल हो, दिल न दूं तो क्या करूं, जिंदगी हो तुम मेरी रागनी हो तुम, मेनका हो तुम या तो उर्वशी हो तुम, नहीं दुनिया में देखी है तुमसी हसीना। मेरे जीवन में आई हो बन के नगीना। कल मैंने देखा था जो प्यार का सपना, होना था बस आज के संग अपना। दुनिया में नहीं कोई था मेरा अपना, तुम्हें देखा तो जाना मुझे मिल गई सजना। प्यार की राहों में भी कांटो भरे गुजर है, अपने भी यहाँ उल्फत के दुश्मन है। मुझको भी मस्ती में रहने दो, अरे जीना क्या मरना क्या प्यार के बिना। नहीं दुनिया में देखी है तुमसी हसीना, मेरे जीवन में आई हो बन के नगीना। तुम वफा का नाम हो, अरे तुम सुहानी शाम हो, और तुमका क्या कहूं,
तुम छलकता जाओ। खुशियाँ मेरी तेरी आंखों में दिखती है दुनिया मेरी। वादा किया जो तूने कभी नहीं भुलाना, जन भी जाए चाहे प्यार तो निभाना। लगा दे न लगाना, लगाया तो निभाना, ये जीवन है चाहत का एक तराना। है, 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 नहीं दुनिया में देखी है तुमसी हसीना, मेरे जीवन में आई हो बन के नगीना। तुम वफा का नाम हो, तुम सुहानी शाम हो, और तुमको क्या कहूँ, तुम छलकता जाम हो। जिंदगी हो तुम, मेरी रागनी हो तुम, मेनका हो तुम, या तो उर्वशी हो तुम, नहीं दुनिया में देखी है तुमसी हसीना। चुराने लगा है मेरा दिल, ओ यहाँ कोई चुराने लगा है मेरा दिल। उई, 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 मन है बेकाबू किसका है ये जादू, उड़ उड़ के जाने लगा है मेरा दिल, ओ कहाँ उड़ उड़ के जाने लगा है मेरा दिल। रिपेयर चालू है, आपको कहा था ना। ओह गॉड, सुनिए भाई, एक्सक्यूज मी सर, वन मिनट, मुझे वहां पहाड़ पे जाना है। मैंने टैक्सी ड्राइवर को बुलाया था, आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसे। यहाँ दूसरा टैक्सी वाला कोई मिलेगा? अप एंड डाउन 350। 350 बस? अब पर कल तो मुझसे 2000 रुपए लिए। कहां पर से? अब बस स्टैंड से होटल तक लाने के। तेरी हालत मुझे मालूम है, तू तो खुद बदलेगा नहीं, कितना भी कोई बोले फिजूल है वो। जब जानती हो तो मुझे बार बार क्यों बोलती हो? अरे हमें क्या गरज है, हमें तुझे सुधारना है। टैक्सी घुमाना, आधी रात को घर को लौटना, तू अब छोड़ के पिताजी से कह कि वो सिक्योरिटी की नौकरी में लगवा दे तुझे। अच्छा, मंदिर में सिक्योरिटी की नौकरी? अरे भगवान को सिक्योरिटी क्यों माँ, मनुष्य की सिक्योरिटी तो भगवान है, तो रक्षक का रखवाला मनुष्य बनेगा? मुझे ये बताओ, रक्षा खुद की नहीं होगी उनसे क्या? उनसे रक्षा होगी, क्यों नहीं होगी, कब होगी जानता है? मनुष्य को पूरा मौका देंगे वो, उससे रक्षा नहीं हुई तो फिर स्वयं प्रकट होंगे प्रभु। बड़ा लाजवाब प्रश्न पूछा है, ये मत सोचना तू। मेरे एरिया में आके गुंडागर्दी की तो मैं चुप रहता, दिए मैंने भी दो हाथ। एक्सक्यूज मी, यहाँ टूरिस्ट गाइड मिलेगा कोई? क्यों नहीं मैम साहब, कहाँ जाना है? कहाँ जाऊंगी मैं भी नहीं जानती, यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। ऐसे तो मैं कल आई थी यहाँ पर, उससे बात भी की थी मैंने, वो बड़ा ठग निकला, स्टेशन से होटल तक के 2000 रुपए लिए मुझसे, होटल वालों ने बोला मुझे। कौन था? लंबा था, थोड़ा शर्ट में नॉट बांधी थी, बड़ी बड़ी आंखें, मुझे थी। क्यों रे, तू जानता है? मैं नहीं जानता। देखा क्या करें, इस जगह सब धोखा देते हैं जी, मत फंसना इनकी बातों में। कहाँ जाना है? मुझे मंदिर जाना है। मंदिर ना, तो चलिए। थैंक्स, जरा मुझे शॉपिंग भी करनी है। बाप रे, यहाँ ऐसी टैक्सी भी मौजूद है,
ये लोग साथ में क्यों? कुछ काम है इनको पहाड़ पर, वहां ये लोग उतर जाएंगे। जा रहे हो? मंदिर का शॉर्टकट है। यहां पे रुको। यहां से थोड़ा चलना पड़ेगा। यहां से? ये तो जंगल है पूरा, मंदिर जाने के लिए ऐसा रास्ता है। छोकरी को पकड़ो। इस मेम जी की रक्षा के वास्ते तो मैं आया हूं, पर तुम्हारी रक्षा करने वाला है कोई? भाई इज्जत छोकरी को छोड़ दे। ठीक है। पकड़ो बोला तुमको, लेकिन पकड़ोगे तो नहीं मारूंगा, नहीं कहा ना? हाँ तुमने भी सुना ना? हाँ जब दो बात करते हो तो बीच में आके डिस्टर्ब ना करो, जरा सी तमीज सीखो। अबे और टकलू आजा, सब लोग एक साथ। इससे इसको क्या मार लगेगी? ऐसे रास्कल्स टूरिस्ट की इज्जत लूटते हैं, पुलिस कहां सोई हुई है? आपको भी तो सोचना चाहिए, सब पर भरोसा किया तो धोखा देने वाले। धोखे वाली बात तुम मत करो, बस स्टैंड से होटल के कितने रुपए होते हैं? 35 रुपए। तो हजार मुझसे क्यों लिए फिर? क्यों? ऊपर नीचे अप एंड डाउन ट्रिप, दर्शन का टिकट, पापनाशम, लड्डू, नीचे गोविंद राजू का मंदिर, पूजा पुण्य के कर्म, कपिल तीर्थ, सारा हिसाब किया तो फाइनल अकाउंट में मुझे आपको और देना होगा। यानी इन रुपयों का ये हिसाब है? तो क्या मैंने लूटा आपको? मैं कंफ्यूज थी थोड़ी। क्या कंफ्यूज थी? आप कहां ले जाओगे? Yeah.
कमाल है, यही है अभी। सुनिए रवीना मैम जी, बहुत करके यहाँ शांति नहीं होती। ब्रह्म महोत्सव जब यहाँ होता है, लोगों से ये जगह खचाखच भरी होती है। Really? सिर ही सिर दिखते हैं। आपको फोटो लेने में बहुत मुश्किल होगी। रवीना जी, ये मंदिर कैसे बना मालूम है? बताइए। तो सुनिए, भगवान जब पहली बार पहाड़ पर आए तो गिरजा देवी नाम की औरत ने उनके वास्ते, गिरजा देवी नहीं वकुला देवी, ओहो भूल हो गई। अरे हाँ, ये मंदिर इससे पहले काफी छोटा था। नरसिंह देव राजू एक राजा ने इसे बड़ा किया। नरसिंह देव राजू नहीं भाई, कृष्ण देव राजू। कंफ्यूजन में मैं तो भूल ही गया। देखिए पहले ही बोला था ना कि हिस्ट्री में मैं फेल था। मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि आपको बैंकॉक वासी होके भी ये सब कैसे मालूम? कुछ बुक्स पढ़ के मालूम हुआ, कुछ बड़ी माँ ने बताया। ओहो, वो बच्चा कौन है? वो क्या, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मिलवाए दे तुम। आइए। हेलो बॉस, रोज मिलने की कोशिश करता हूँ पर मिल नहीं पाता। नई फिल्म जो रिलीज हुई है, थोड़ा बिजी हो गया हूँ। मिस रवीना, बैंकॉक रिटर्न, लेकिन वापस लौटने वाली। और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, दुख सुख की सारी बातें इसी को बोलता हूँ। फोटो लूँ हम दोनों का? गिरु, मिलेंगे फिर। हाँ एक और। अच्छा, दर्शन के लिए चले? हाँ क्यों नहीं। सुनिए, मैं भगवान का ज्यादा भक्त नहीं हूँ, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, आप दर्शन करके आना। ओके। हमेशा खुद की अकल पर भरोसा होना चाहिए, भगवान के ऊपर क्यों रखे। कैसे आ गया? अचानक मन में भक्ति आ गई क्या? जी नहीं, भक्ति और मुझे, वो जो है ना बैंकॉक से आई है, उन्हें लाया हूं, मेरे पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। आप तो मंदिर में सिक्योरिटी वाले हैं ना? हाँ बेटी, मैं यहाँ गार्ड हूँ। क्यों जी, भगवान इतने गहने पहने हैं और उनके सर पे 6 करोड़ का मुकुट है, इनकी रखवाली के लिए यहाँ लोग बहुत कम दिखे मुझे। भीड़ में सब भक्त होंगे, ये कैसे मालूम, उनमें चोर भी तो हो सकते हैं। भारत में चोर लोग भी भगवान से भयभीत होते हैं बेटी, ये तो खाली रीत निभाने के लिए हैं। भक्त भी भयभीत हो, हम ऐसा बंदोबस्त क्यों करें बेटी।
देवस्थान के प्रधान अर्चक हैं। ओह नमस्ते, जस्ट वन सेकंड, थैंक यू। मैं चलता हूँ। क्यों जी, वो बच्चा उनका बेटा है? नहीं बेटी, कोई इसे मंदिर की सीढ़ी पर रख गया था, तब से उन्होंने ही पाला है। ओह क्यों जी, अब चलें? मैं चलती हूँ। अरे बेटी को त्योहार पे घर लाना। ओह तकलीफ क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा इनको। चलिए। अच्छा बेटी, अच्छा, अच्छा। भौतिक है ये शरीर, बूंदों के प्रकार क्षणभंगुर है। जो एक दिन लकड़ियों पे जलेगा, ऐसे शरीर से ममता बढ़ाने की बात सोचना मनुष्य की मूर्खता है। काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य इत्यादि छहों गुण मनुष्य को सदा दुर्मार्ग पर भेजने वाले अंदर के शत्रु हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष जैसे चार सगुण मार्ग होते हैं, मनुष्य को सन्मार्ग पर भेजने वाले मित्र हैं वो। अष्ट गुणों को मनुष्य को जीतना चाहिए। तुमको धनवान होने की आशा त्यागनी चाहिए। नीच और दुष्ट चाहतों को जीतना है। नमस्कार। ये ड्रामा बंद करो, पाखंड छोड़ो और जल्दी आओ, जरूरी बात करनी है। आहा, सारी ईश्वर की इच्छा। भक्तगण, अब आज का ये सत्संग मैं समाप्त करता हूं। अरे हे, क्या बोला तुमने? देवस्थान में चोरी? पागल हो गए हो क्या? तुम ज्यादा चमको नहीं, बैठो 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 बैठो। बगल में जो बैठे हुए हैं वो बैंकॉक से यहाँ पे आए हैं, शामी शफी। ये दोनों विदेशी लोग बैंकॉक में बड़े पैसे वाले और उकलोभिक यहाँ काम पे लगे हुए हैं। उसका ईश्वर एक पिशाच है और वही उसका पूज्य है। तिरुपति में भगवान बालाजी के सिर पे जो मुकुट है लक्ष्मी का प्रतीक है, अगर वो हाथ लग जाए उसके तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी, उसे ये विश्वास है। ऐसा विश्वास क्यों है उसे, वो हम क्यों पूछें? अगर हम ये काम किसी तरह कर पाए तो करोड़पति हो जाएंगे। ए, मूर्ख, क्या बाजार में मटर बेचने वाला तुमने समझ रखा है उनको? भगवान है वो, गॉड गॉड गॉड, आंखें फूट जाएंगी। बात सुनो, वो बैंकॉक से चोरी के वास्ते सब सामान लाए हैं, तुम्हें सिर्फ मंदिर से संबंधित जानकारी देनी है। मंदिर कब बंद होता है, कब खोलते हैं उसको, पहरे के तरीके सब बता दो। अबे जा, तुम्हारा हिस्सा 50 लाख होगा। 50 लाख रुपए? कमाल है, भूले से भी कोई जानवर नहीं मिला। सुनिए, मैं ऐसे ही फेंकता हूँ। रवीना मेम जी बैंकॉक से पधारी हैं, इसलिए जंतु लोग आपको हेलो बोलेंगे सोचती हैं। रहने दो, हमें जंगल में कोई तो जानवर दिखेगा कहीं ना कहीं। मैंने तो जोक किया था, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। बाबा छोड़िए ना, जंतु मिलेंगे हमें तकदीर से, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हम पीछे भागे जंतुओं के तो एक बंदर भी नहीं मिलने वाला। सुनो, आंवले का झाड़ है ना, वो है तो पसंद है आपको? ओह गॉड, आई लव देम। संभल के, उसमें कांटे होंगे। आंवले के झाड़ में कांटे नहीं होते। आप हमेशा यहाँ आते हैं? मैं क्यों आऊंगा जी, आप इतनी दूर से आई हैं ना, इसलिए आया। कोई यहाँ पे मुंडन करवाते हैं, भैंसे धोते हैं, अजीब सी जगह है ये। Thank you.
सुनिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं तो गिरने वाली थी। पर आप गिरी नहीं ना, आप बिल्कुल ठीक हैं। अब तो जंतुओं को देखना जरूरी नहीं ना। ए भालू! भैया जी, यूं ही बोला मैं तो। सुंदर सुंदर चेहरा देखा तो हो गया ए दिल तेरा, बाबा की छोरी तू ही बता क्या हो गया, प्यार हमारा होना था गोरी हो गया। ओ कैसा ये तूने जादू है डाला, मिलते ही हो गया ये दिल तेरा, ये तेरा सुंदर सुंदर चेहरा देखा तो हो गया ये दिल तेरा। तुझको बता दूं मेरे दिल की मंजिल हो तुम, अब तक मैं कम सिम थी तेरी ही बाहों में, मुझको जवानी की मस्ती मिली, तुम जो मिले हो तो जंगल में मंगल है, तेरे भी गालों की कलियां खिली, फूल भी खिल गए, लूट लो तुम मजा लूट लो, ये घड़ी फिर कहां, प्यार से नाच लो झूम लो, प्रीत की डोरी ना कभी तोड़ो, प्यार किया है तो साथ ना छोड़ो। ये तेरा सुंदर सुंदर चेहरा देखा तो हो गया ये दिल तेरा। हो सावन की ज्यों काली घटाएं ऐसी ही तो जुल्फे तेरी, करता है जो तोता मैना सी वैसी ही तो बातें तेरी, आंखों में सुरमा है गालों पे शबनम है फूलों के जैसा है रंग तेरा, मंत्रों से तंत्रों से बसने किया मुझे तूने हुनर ऐसा सीखा कहा, तुम भी तो कम नहीं प्यार से तुम मुझे लूट लो, तू ही तो दिल मेरा मैं तेरी जान में लूट गई, मैं नहीं रह सकूं बिन तेरे एक पल भी, आजारा चुम लूं मैं तुझे फुलझड़ी। ऐसा ये तूने जादू है डाला, मिलते ही हो गया ये दिल तेरा, ये तेरा सुंदर सुंदर चेहरा देखा तो हो गया ये दिल तेरा, ऐ बाकी छोरी तू ही बता क्या हो गया,
प्यार हमारा होना था गोरी हो गया। वासु, जीवन में मुझे कभी अप्सरा दिखाई देगी मैंने ये सोचा भी नहीं था। अब होगी छुट्टी मेरी, क्या करूं मैं? रवीना के लिए मैं रोज रोज पागल होता जा रहा हूं। क्या मेरा ख्वाब कभी पूरा हो सकेगा? नहीं पूरा होगा मालूम है मुझे, लेकिन आशा छोड़ना भूल नहीं होगी। कैसी आशा और कैसी भूल? अरे आप और साड़ी में। यह त्योहार के मौके पर यही कपड़े पहनना मेरी बड़ी माँ बोली थी, इसलिए। इस रिवाज को आज के जमाने में कौन मानता है? आइए बैठ। थैंक यू माँ। रवीना जी नमस्ते। तुम और मैं क्यों नमस्ते करें, बैठो ना। बैठो बेटी। क्या क्या देखा तुमने यहाँ? मेरे बेटे को ये जगह हाथ की रेखाओं की तरह मालूम है, हमेशा घूमता रहता है। आप चुप रहो, उसे गाली देने के सिवा और कोई काम नहीं। हाँ हाँ, अपने पुत्र रतन की जानकारी है मुझे। पिताजी अब ये बातें क्यों? अरे सॉरी, देख चुकी सब? ऑलमोस्ट सारा कुछ देख लिया। रानी पार्क को देखा? वो नहीं देखा। वो तो जरूर देखना बेटी, मिस ना हो। ए, पार्क दिखा देना। टाइम नहीं है, कल तो ये वापस जा रही है। मुझे लगा आप ईश्वर पर आपको विश्वास नहीं है। कभी कभी विश्वास करना जरूरी होता है। जरूरी होता है? आज क्या मांगा भगवान से? कुछ भी नहीं। अरे बोलिए, मुझे बताने में संकोच क्यों? सीक्रेट है? सीक्रेट कुछ नहीं है। सीक्रेट नहीं तो मुझे बताइए ना। इश्क में भी सीमा होनी चाहिए। टाइम हो गया, चलते हैं। रवीना जी, रवीना जी, इस सीट पर आइए। क्यों गुरु, जम गया के? क्या मना भूल गए? तुम्हारी सास की छोटी बेटी बोला था ना, क्या कर लिया होगा सोचा मैं भी तुमसे 200 रुपए मांग लूं। ऐसा नसीब मेरा नहीं है, ये ले तो 200। रखो मेरा बैंकॉक का एड्रेस। कौन है तू? बस को बीच में रोक दिया। इसको, इसे मेरी याद समझ के रख लो। Yeah.
रवीना 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 तू कभी ना भुलाना हसीना दिल ये टूटे ना ये साथ छूटे ना धड़कन तुम ही हो तुम ही जान हो ओ, ओ रवीना 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 तू कभी ना भुलाना हसीना दिल ये टूटे ना ये साथ छूटे ना धड़कन तुम्ही हो तुम ही जान हो ओ, ओ रवीना 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 मेरी सुनी सुनी जिंदगी में तेरे प्यार से हो गया है प्यार मुझे तुम हो मेरे जाने जाना मुझको भा गए नजराना ये दिल तुमको ठुकराना देना इसको रहते हम मंदिर में भूलो ना एक पल तुमको बसंत भी तू बहार भी तू मुझे हर दम रखना अपने दिल में जाने जहां ओ रवीना ओ रवीना 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 तू कभी ना भुलाना हसीना क्या जाने तेरे बिना जीना सकूंगा चलते रहेंगे साथ यूं ही सदा हम मिलके खिलते रहेंगे यूं ही हर दम ये गुलशन दिल के गले से अब तो मुझे लगा ले तेरी खुशबू से ये मधुबन महका है सजनी रवीना 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 ओ रवीना 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 तू कभी ना भुलाना हसीना प्यार टूटे ना ये साथ छूटे ना तुम ही सनम हो तुम ही जान हो क्यों रे इतनी देर से क्यों आया सुना नहीं क्यों क्या हुआ तुझे मां ऐसा देखा है क्या अगर दोनों में से एक गरीब हो और एक अमीर हो तो शादी मेरा मतलब है कि लड़की अमीर हो और लड़का कम पैसे वाला हो तो उन दोनों का ब्याह हो पाया हो कभी क्यों रे पहले कभी शादी के बारे में मुझसे नहीं पूछा हाँ ऐसे ही पूछा जूस किसके लिए बना रही हो पिताजी तेरे बुखार में पड़े हुए हैं अरे बुखार में पड़े हुए हैं
पूरे बदन में दर्द है, कमजोरी भी है, लेटे हुए हैं, डॉक्टर देख के गया है। माँ, बुखार बहुत तेज है। हाँ बेटा, 103 बुखार है। पिताजी, दवा वगैरह ली कुछ? डॉक्टर गोली दे चुका है। पर बुखार कम नहीं हुआ? अभी तो ली है गोली। आज तो मंदिर की ड्यूटी नहीं होगी मुझसे। नहीं आ रहा ऑफिस में, बोलते बोलना मत रे, तू जाके बोल दे। तू चाहे कुछ भी बोल गुरु, मैं सोचता हूँ तुझे मेम जी से पूछना था, जब पूछना था तब तो। अरे लेकिन मैं कैसे पूछता, मैं कहाँ और मेम जी कहाँ? मैं ब्लैक में टिकट्स को बेच के रोड पे घूमने वाला हूँ, ये पूछने के लिए लियाकत होनी चाहिए। अजीब है तू यार, मर्द में मर्दानगी होनी चाहिए, और क्या चाहिए? तेरी वो मेम जी बड़े घर की होगी, पैसे वाली। अब तू चुप हो जा, तुझे मुबारक हो ये कुबुद्धि। फिर से मैडम के बारे में कुछ कहा तो फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। यार की जान को डर नहीं है, उन्होंने न्यूरोटॉक्सिक गैस फेंकी थी, उसकी वजह से 2-3 दिन तक किसी को होश नहीं आएगा। सर, यहाँ चोरी होने के थोड़ी देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा रघु आया था, लेकिन उसने किसी चोर को नहीं देखा,
एक छोटे बच्चे ने उन्हें देखा है। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो घर में समाज में सालों से तेरे पिता गौरव से सर उठाकर चलते थे, तू आज उन्हें सर झुका के घूमने वाली परिस्थिति में ले आया, इस सारे अनर्थ का तू ही कारण है। उस रोज पिताजी ड्यूटी नहीं करेंगे अगर मंदिर में बोला होता तो उन पर जरा भी शुभ नहीं होता, निंदा नहीं करते उनकी लोग, तो वो उन्हें जेल में भेजने वाले। ऑफिसर साहब ने बुलाया है। ऑफिसर साहब जब तक नहीं आते आप रूम में बैठिए। बासु, पिताजी से मैं मजाक में बोलता था, भगवान को सुरक्षा किस लिए, गालियां दी थी उन्होंने मुझको, अब तू ही देख, चोरों से उनका संबंध है कहकर पिताजी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। बासु, तू तो उन लोगों को पहचानता है ना, उन पूरे बदमाशों की हड्डियां लेकर मंदिर में हजार बार घूमूंगा मैं। तुम रघु हो, यह नेशनल प्रेस्टीज से संबंधित विषय है, अभी तो असेंबली में इसे लेकर काफी उधम मचा हुआ है, पूरी खोज के बाद इन चोर लोगों के होटल के कमरे से हम लोगों को बैंकॉक वाले एक बार के विजिटिंग कार्ड के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करने वाले हैं। उस रोज जब चोरी हुई तो उसे सिर्फ इस छोटे बच्चे ने ही देखा, वो लोग अगर वहां मिल गए तो उन्हें पहचानने के लिए इस बच्चे की जरूरत पड़ेगी, इस बच्चे के साथ तुमको भी वहां आना होगा। मैं वहां जरूर चलूंगा, लेकिन मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेजने से पहले उनको 10 मिनट मेरे हवाले कर दें, उन सबको मैं डुबो डुबो के पाप नाशन कुंड में धो के फिर सौंपूंगा आपको, है ना? स्वामी जी, क्या बुदबुदा रहे हो? 50 लाख स्वामी जी, जब रुपए आएंगे तो तुम क्या करने वाले हो? बोलो बोलो ना। हंसोगे तो नहीं तुम? बोलो। पेरिस में जाकर कैबरेट डांस देखूंगा। तुम क्या करोगे? मुझे आइडिया तो है। क्या है बोलो बोलो। तुम्हें क्यों बोलूं? ए मनी मनी, व्हाट यू डू 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 प्लेन शिप में क्या एरोप्लेन। Excuse me, do you know this address? Yeah, 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 ye
बताओ दादा जी, क्या नाम रोबाल जी थे? मैं नाम रोबाल जी थे। I don't know your language. ओके 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 थैंक्स ओके। मेरी भाषा आपको नहीं मालूम, आपकी मेरे को नहीं। अब कहाँ ढूंढूं? ये वासु, तेरा जो फोटो लिया था रवीना जी ने, वो तुझे याद है ना? वो बैंकॉक में ही रहती हैं। इंडिया में उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया था। ये कहां पर है पूछते हैं। सुनिए, हेलो हेलो, अब ये एड्रेस कहां पर है बताएंगे? ये माउंट, ये तुम क्या बोले नहीं समझता? ये बहुत, ये क्यों तुम्हारी ये बात, ये क्यों तुम्हारी भाषा नहीं आती यार? नहीं, ये वहां नो इंग्लिश। इसकी बकवास कौन सुने? चल वासु, बाप रे। तू भीग गया यार। ए, तेरे को भूख लगी है? ए, तू झूठ मत बोलना। जब मुझे लगी है तो तुझे भी जरूर लगी होगी। सबर का फल मीठा होता है। रवीना जी का एड्रेस मिल जाए तो उसके बाद पेट पूजा करेंगे। ओके? ये रहा, रवीना जी ने इंडिया में दिया था ये एड्रेस। ये मुझे भरोसा है, यही है वो हमें मिलनी चाहिए, है ना? ए, मैं कुछ पूछूं तुझसे, सच बोलेगा तू? हाँ, रवीना जी तुझे अच्छी लगती है ना? हाँ। दिल रुबा तू है मेरी दिल रुबा। चंद्रमा चंद्रमा तू है मेरा चंद्रमा। मस्त मस्त वादियों में जो दिया था मुझको तूने, कैसे भूलू वो तुम्हारा प्यार। दिल रुबा तू है मेरी दिल रुबा। Thank you.
उड़ गया, नींद उड़ गई, जब से मैंने चाहा तुझे तू ये तो जान ले। आग सी लगी रात दिन जगी, चाहते हैं प्यार की तू भी ये जान ले। फिर कभी न बिछड़ेंगे प्यार में सनम, जाने जाना अब न जुदा करना हमें। मैंने तुम्हें मान लिया दिल का देवता, जानती थी रंग लाएगी मेरी वफा। तू जहां मैं वहां, चंद्रमा है वही चांदनी है जहां। तू है मेरे दिल का तूने जो छू लिया। वादियां भी कह रही है ये कहानियां, खिल उठेंगी आज यहाँ दो जवानियां। मेरी तमन्ना है तुझे लोरी सुनाऊं, गोद में बिठा के तुझे दिल से लगाऊं। तू जहां मैं वहां, चांदनी है वही हो जहां चंद्रमा। हंगामा हंगामा तू है मेरी दिल चंद्रमा चंद्रमा तू है मेरा चंद्रमा। मस्त मस्त वादियों में जो दिया था मुझको तूने कैसे भूल वो तुम्हारा प्यार दिल रुबा। तू जहां मैं वहां, चांदनी है वही हो जहां चंद्रमा। वासु, वासु, जल्दी से दरवाजा खोल बेटी, इन दोनों के साथ कब तक खड़ी रहूंगी मैं। ओ हो, जल्दी से दरवाजा खोल बेटी। ओ माँ। हाँ अभी खोलती हूँ। बड़ी माँ आप, आज मेरा ही श्राद्ध हो गया। क्या हुआ? शैतानों ने दुखी कर दिया। वाह वाह क्या मजी है। वाह कौन लावा हुई है व्हाट? बड़ी माँ राम 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 राम। तुम आत्महत्या करने को गई थी समुद्र में? मैं हाँ। आत्महत्या? अब ये कौन बोला? इन नासपीटों ने क्या? अबे ओ मुर्दा गाड़ी चलाने वालों, मैं आत्महत्या करूंगा ऐसे दिखती हूँ तुम लोगों को? अंदर आओ। छोड़ मुझे, मेरे पैर दुखा दिए चला चला के। भगा दे इन्हें, कमबख्त मुझे हाथों से पकड़ कर लाए। बड़ी माँ बेटी जब वो मौजूद थे तो रोज ये कमिश्नर मिनिस्टर हमारे घर में घूमते फिरते थे। पुलिस वालों से डरूंगी मैं? क्या क्या हुआ ये तो बोलो। मैं बैठ के बोलूंगी। बोलो आखिर क्या हुआ कि पुलिस वाले? जरा सा पानी मेरे मुँह में तो डाल तब बोलूंगी। मेरा तो गलत हो गया। शोकेस कुर्सी सोफा क्या हुआ? ये हुआ बेटी, इस रोज कार्तिक पूर्णिमा है ना, समुद्र में स्नान के वास्ते गलियों में से समुद्र को ढूंढती हुई गई। हाँ। आखिर मैं समुद्र में गई। हाँ। आगे बड़ी गोता मारने को। हाँ। तो इन मुर्दा ढोने वालों ने मुझे पकड़ा और खींच लाए बेटी। जब भी खींचे मैंने उनका नाम बोला और ये सलाम मारते हुए घर को ले आए मुझे। यहाँ वालों को तुम्हारी हंसी कहाँ मालूम होगी? इसमें हंसने की क्या बात है?
अरे बेटी रवीना, किधर मर गया तेरा वो शोकेस? उसे बोल पानी पिलाए मुझको। ये ड्रेस सुनता है? अरे अरे, उन पुलिस ढोमों ने मेरे कंधों को दुखा दिया, दर्द के मारे रो रही हूँ, और तू हनुमान। अम्मा, हनुमान के नाम से मुझे मत बुलाना, तुम्हें कितनी बार बोलूं, ये नाम पसंद नहीं मुझको। प्यार से हन्नू, हन्नू बुलाओ मुझे। ओरे ओरे आघोरी, आंखें फोड़ देंगे भगवान, ये नाम भगवान का है, तोबा बोल। अम्मा, तुमको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? बोल। लड़की मौजूद हो तो इज्जत संभालो मेरी। असल में रवीना रोज रोज ज्यादा प्यार कर रही है मुझको। तुमने मुझसे व्यंग से बात की तो उसे दुख हुआ, वो भीतर भाग गई, वो भीतर फूट फूट के रोती होगी। रवीना, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ। अरे बाप रे, ये क्या, मेरे ड्रेस के बारे में तुमने कुछ नहीं बोला? एक्सक्यूज मी, सुनो, मैं कुछ पूछूं तुमसे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? इंडिया में तुम बेकार थे, इसलिए लाए तुम्हें यहाँ। यहाँ भी ऐसे बेकार टाइम वेस्ट किया तो फायदा क्या हुआ, बोलो? सो तो है, मैं भी यहाँ कोई काम करने के लिए सोच रहा हूँ। भावी पत्नी के लिए जरा हैसियत तो बढ़ानी होगी मुझे, यही सोचता हूँ। लेकिन मैं साधारण काम तो नहीं करूंगा, मारूंगा तो मैं बड़ा हाथी मारूंगा। टाटा बिरला ना भी बना, लेकिन मोदी मस्तान तो बनूंगा। ये तो कोई हमारे देश वाला छोकरा मालूम होता है। इस वासु को मैं जानती हूँ, इसे मैं इंडिया में मिली हूँ। इंडिया का छोकरा यहाँ क्यों आया? नहीं बड़ी माँ, मैं मिली हूँ। क्या बोलता है वो? जब वो भागा तो पुलिस वालों ने उसे थाने में बंद कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, सेक्यूरी शराना देवी देखियो ना, बच्चे ना वाई फाई 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 सर, हम दोनों यहाँ साथ में आए थे, दो रोज ही हुए हैं यहाँ सर। यकीन कीजिए सर, हम दो रोज पहले यहाँ हैं। आप हमारा रखू, तुम यहाँ कैसे? हम लोग परसों यहाँ आए, पर जो लोग हमें साथ लाए वो कहीं गुम हो गए। पर तुम हाँ। सुनो, हम यहाँ पे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? अब मैंने वासु को टीवी पे देखा। यस आई नो। सुनो, हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, चलो। बाप रे, अब मुझे चैन मिला। सुनो, असल में बैंकॉक आते मैं तुमसे मिलूंगा ये सोचा था मैंने, इतने में वो ऑफिसर मुझे बाहर मिले गया, वहां से गायब हो गया वो ऑफिसर। उसके बाद वासु साहब गुम हो गए, मुझे तो भाषा नहीं आती, एड्रेस कैसे ढूंढता? यकीन नहीं होता मुझे कि वो लोग आप लोगों को अकेला छोड़ के यहाँ से वापस चले गए। वापस नहीं गए, हमें दिखे ही नहीं। आपको वो लोग वहां नहीं दिखे तो क्या उन्हें कौवे उड़ा ले गए? लेकिन ये सब वो सब कैसे हैं? ला पास जो खोल लिखी खोल लिया। मिस्टर स्वामी, हेलो। आई गॉट इट। दांता पाना दांगने। भगवान का मुकुट चोरी हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। कलयुग का दौर है ये, तभी आदमी ऐसी दुष्ट युक्तियों में फंसता है। ऐसा तो महापुरुषों ने बोला हुआ है,
ओहो, वेंकटेश्वर स्वामी का मुकुट चुरा ले गए, ये तो घोर पाप है, प्रलय होने वाली है। प्रलय नहीं होगी, प्रलय होने वाली है। बोलिए बोलिए सर, स्टोरी खासी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ये स्टोरी नहीं है मिस्टर, इन्होंने जैसा हुआ वही बोला है। यू मीन टू से यू बिलीव ऑल दिस? बड़ी खूबी से तोता मैंने जैसी कहानी बोल के बेवकूफ बना दिया हमको। शट योर माउथ, अपने जैसा ना समझो सबको, इन्हें मैं बखूबी जानती हूँ। बखूबी? बखूबी यानी? इंडिया में हम दोनों हमेशा साथ साथ घूमे। साथ साथ क्या? जरूर टाका भिड़ चुका है तुम दोनों का, वो भी इंडिया में। पेशर वो कितना बोल रही है ऊपर से। चोकर, रियल चोकर, अब क्या करना है वो बोलो। समस्या ये है कि यहां से बिना मुकुट लिए मैं इंडिया लौटने वाला नहीं हूं। मां का कसूरवार हूं मैं। पता नहीं कैसे करोगी पर यह काम करना होगा तुम्हें। अब तो एक ही काम करना होगा, जहां से वो ऑफिसर गायब हुआ वहां चलो, उस बार के अंदर जाके उनको पहचाने की कोशिश करेंगे। प्लान तो बढ़िया सोचा, लेकिन उन्हें पहचानेंगे कैसे? रखो, अभी तक बचे हुए हम लोग, मेरी बात मान लो, इंडिया को भाग लो यार। उस जांग के बच्चे ने धोखा देने की कोशिश की मुझे, उसको मैं बख्शने वाला नहीं हूं। स्वामी मेरी बात सुनो, जो बात तुम नहीं समझ रहे हो वो सिर्फ ये है कि स्टैन रोज इस मुकुट को हथियाएगा जरूर। वो लोग सोच रहे थे कि हम दोनों को मार देंगे, लेकिन नहीं मार सके। अब हमको उनकी बेईमानी मालूम हो गई तो आप, मैं उनसे मांगूंगा, 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन डॉलर्स मांगूंगा, यानी हिस्सा हो गया तुम्हारा 1 करोड़ रुपया। ए, तुम चोक ना करो, अब सालों को मैं मजा चखाऊंगा। आई हैव गॉट ए प्लान। तुम एक काम करो, उस चांग साले को फोन करके बोलो। मुझे माफ कीजिए, मैं कैसे भी उन्हें ढूंढ लूंगा, इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। मुझे माफ कीजिए, मुकुट वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार मुझे माफ कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मुकुट वापस लाकर ही रहूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। पी रहे हो? चढ़ती नहीं है तो मैं देसी दारू ही पीता हूं। रवीना मैम जी, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं मानूंगी, बोलो। नहीं मानेंगी बुरा ना? नहीं मानूंगी। पक्का नहीं मानेंगी बुरा? अब बोलो प्लीज। इस देश में कैसे रहती हो? जो भी गए आप, हाँ। इंडिया इंडिया है, मेरा भारत महान। यहां की चमक ऊपर की है, मेरा देश भीतर से बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग। Hello. Hi. Hi.
I'll come back within 10 minutes, okay? Okay. Ah, okay. What? Blow up! Hey, वो मुकुट कहाँ है रे? मुकुट कहाँ है रे? हाँ? अबे पूछा तो लू की माफी भू बनाता है हाँ? Tell him where the crown is. Bol, the crown. Bol, या तो बोल नहीं तो मरेगा तू. If you're not going to tell him, he's going to kill you. हाँ, kill करूँ क्या? Bol, bol, bol. Tell him, tell him. Why don't you? You. चलिए, चलिए. या तो बोल नहीं तो मार. Don't know. बोलो ऐसे. अरे साले, अगर ये पहले बोल देता तो इतनी पिटाई तो नहीं होती तेरी ना हाँ? चल भाग. देखो लीव हिम. आके दावा मर जाए. क्या? ओके ठीक है. हो जाए. Govinda 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 मुझे भाषा नहीं मालूम. मैं शराफत से बोलता हूँ. जाने दो हमको. आप जरा बोलिए. Look, he doesn't know the language, but he's very. पर हाथ उठाया इन सालों ने. मैं इनको मार डालूंगा. जात का अब नशा चढ़ा. क्या? हा? अभी मालूम हुआ फॉरन की दारू इतनी फालतू नहीं है जी. तवीरा जी बाहर आइए. ए, ए रघु, रघु कहाँ जा रहे हो? आइए बाहर ठंडी हवा में घूमेंगे. आइए आइए ना. रघु आइए ना. पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए? चलो चले. अरे वारे फॉरन की दारू तूने मुझे हिला दिया. रखू तुम बहुत नशा हो गया. चलो चले चलो. कितनी खूबसूरत हो. कहाँ गायब हो? क्या हुआ तुम्हें? रवीना मेम जी यही एक सच बात है. दारू से थोड़े फायदे जरूर हैं. पहली बात है हिम्मत. मन में जो भी है दिलेरी से बोल दो. क्या बोलोगे? I love you. इंग्लिश में यह बात ही मुझे आती है. मैं झोंक नहीं कर रहा हूं. Hello.
बताऊं कैसे मैं क्या है सच्चा प्यार सनम। लफ्जों में कहूं मैं कैसे क्या है सच्चा प्यार सनम। हाँ भौरों से कलियों का क्या नाता समझो तुम। बताऊं कैसे मैं क्या है सच्चा प्यार सनम। लफ्जों में कहूं मैं कैसे क्या है सच्चा प्यार सनम। याशा मुशी
उसी वोशी वाशुओं को माफ शाह हाँ उसी वाशुओं को वश्यों माफ शुओं को तो वाप शुओं जब ले जाए उसी वो माफ वश्यों वश्य वश्य वो हुआ वाशी You listen to me, Chang. You are not going to cheat me this time. You do as I say. Do you understand? You are not going to cheat me this time. You understand? Okay? Okay. Okay, क्या? क्या यार, okay? मुकुट के प्रताप से लाखों रुपए कमा के बड़ा बड़ा व्यापार करोगे ये बोला तुमने अब क्या हुआ रोड पर भाजी बेचने वालों से भी गए बीते हो गए तब से मैं बोल रहा हूँ गॉड 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 है वो क्यों बेकार में 50 लाख की ध्वनि सुन के लोभी बना मैं अब उसका फल भोग रहा हूँ मेरे लाल इस अनजान देश में भिखारी की मौत से तो बेहतर है इंडिया को वापस चले जाए स्वामी तुम तंग न करो मुझको एक बात समझ लो मुकुट का क्या करोगे इंडिया में ये सोचो बम्बई में किशनदास को जाके बेचोगे वो बात सुनो भगवान लोभ ने बर्बाद कर दिया मुझे उसने परसों हमको धोखा देने का प्रयत्न किया इसीलिए तो स्टैंड्रो चांग का तब से दुश्मन हो गया उसे हर परिस्थिति में अब ये मुकुट मानता है हमको रुपए देने के लिए स्टैंड्रो एक जगह अपने आदमियों को भेजेगा वहां जाकर हम उनसे रुपए ले लेंगे और फिर इंडिया को सलामती से जाने के बाद मुकुट कहां पे है उन्हें बताएंगे हम बस रखो स्टॉवरोस कहां है कौन है ये किसी को भी नहीं मालूम इस नाम का आदमी इस देश में नहीं ऐसा सब कह रहे हैं मैंने पोस्ट ऑफिस में भी उसके बारे में पूछा मुझे तो ये नाम उसका निकनेम मालूम होता है जरूरत पड़ी तो सेफ्टी के लिए मैं हूं यहां पर पागल उस तरफ क्यों जा रहा है वो यही मेरी समझ में नहीं आया तुम यही रहो मैं जाके उसको देखता हूं नो नो तुम अकेले वहां डरो मत जाओ मेरी बात सुनो रखो आवाज स्टैंड्रोज के दूत हो हाँ रुपए कहाँ है लेकिन मुकुट कहाँ है व्हाट मुकुट पकड़ रहे हो क्या तुम इससे पहले मैं ये बात चांग साले से बोल चुका हूँ कहाँ है मुकुट मैं इंडिया पहुंच के बताऊंगा फिर भी कहाँ है मुकुट कहाँ है मुकुट तुम फिजूल हो स्टैंड्रोज से मैं सीधी बात करूंगा वहां ले चलो मुझे डोंट लुक वहां ले चलो मुझे तेरा तो बाप भी बताएगा मुकुट कहाँ है
मुकुट कहाँ है तुम नहीं बोले तो समझ लेना तुम फिनिश। I love this man. रवीना जी को कहां लेकर गए हैं वो बोल। सच बोलता हूं मैं नहीं जानता। मुकुट को मूर्ति के पास रख के उसने किसी लड़की की बलि दी तो दुनिया में सबसे धनवान हो जाएगा उसका विश्वास है। ये भी परेशान ने बोला, उसी ने बोला मुझे। भगवान के मंदिर में चोरी करते वक्त दिल धड़क रहा था तब भी बाज नहीं आया। 50 लाख की धोनी ने मुझे लोभी बना दिया। सुनिए, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। मुझे छोड़ दो बाबूजी, प्लीज। ए, ये ढोंग छोड़ और मुकुट कहां है वो बोल। तो बोलेगा कि नहीं? बोलता हूं।
नारायणाय ॐ नमो 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 नारायणाय माफी घूम रहा हूं। भाग भाग। वासुकी चिंता मत करो रवीना। आई लव यू। मैं टॉक नहीं कर रही हूं रवीना। रवीना नहीं रवीना रवी
रवीना, रवीना, नहीं, रवीना नहीं, रवीना। నమో వెంకటేశ్ మలామి, నమో వెంకటేశ్ మలామి, నమో వెంకటేశ్.
विनाशाय।